एवरीवन, हाउ आर यू? आपको आज मेरे दो काम करने हैं, ठीक है? पहले प्रॉमिस करो कर दोगे? पहला तो वीडियो देखने के बाद फॉलो ज़रूर कर देना, फॉलो नहीं करते हो वीडियो देख लेते हो। सेकंड काम ये है कि ये बताना है कि ये लुक आपको कैसा लगा, यानी कमेंट करके बताओ ये लुक कैसा लगा। अब स्टार्ट कर लेते हैं मेकअप ट्यूटोरियल। तो सबसे पहला स्टेप सबको पता है कि क्या होना चाहिए, ये तो सोचने वाला बात ही नहीं है। या तो सीरम लगा लीजिए, या तो मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, कोई भी क्रीम लगा लीजिए जो आपके स्किन टाइप को सूट करता हो। नेक्स्ट जो है, मैं आई मेकअप पहले करूँगी तो उसके लिए मैं कंसीलिंग कर रही हूँ, जिससे कि पिगमेंट्स और निखर के आ जाते हैं। एंड जो मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ, दैट सो मी पैलेट। जी हाँ, आज मैं निधि मैम का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जो कि आपको कफ्स एंड लैशेस पर मिल जाएगा। और ये पैलेट मुझे काफ़ी पसंद आया, उसके दो तीन रीजंस हैं, वो मैं बताती हूँ। पहला तो रीज़न ये है कि बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, आपको इधर उधर दूसरे पैलेट में नहीं ढूंढना है, एक ही पैलेट में आपके सारे लाइक मोस्टली कलर्स आपको इसमें मिल जाने वाले हैं। सेकेंडली, आपको मैट भी मिल जाएगा, आपको शिमर भी मिल जाएगा, आपको प्रेस्ड शिमर भी मिल जाएगा, तो एक ही पैलेट में आपके सारे टेक्स्चर्स भी आ जाएंगे। एंड थर्ड जो है, ये कस्टमाइज पैलेट है, इसलिए मुझे काफ़ी पसंद आया। अगर आप ध्यान दोगे तो एक रो में ही एक जैसे ही कलर है। अगर पिंक की रो है तो पिंक का ही आपको मैट मिलेगा, पिंक का ही आपको शिमर मिलेगा, पिंक का ही आपको प्रेस्ड शिमर मिलेगा, लाइक एक ही टोन का पूरा रो होगा, जिससे कि आपको इधर उधर ध्यान नहीं देना कि कहाँ कौन सा क्या कलर पड़ा हुआ है, एक ही रो में आपको सारे मिल जाने वाले हैं। अगर मैं वन एंड टू लाइन में सम अप करूँ ना, तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप बिगिनर हो, आपने स्टार्ट करा है मेकअप करना, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको ये पैलेट लेना चाहिए, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, तो आप बहुत सारा कलर्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड सेकेंडली, अगर आपको कलरफुल आई मेकअप करना पसंद है, तो भी आप जो है इस पैलेट को ट्राई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और सबसे अच्छा बात यह है कि ये अंडर 1000 यानी 1000 के अंदर के ही मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अभी मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, ये भी आपको कफ्स एंड लैशेस में मिल जाएगा। जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैटिफाइंग प्राइमर है, समर्स के लिए अप्रोप्रिएट है, मॉनसून के लिए अप्रोप्रिएट है, ऑयली स्किन के लिए अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट जो है, मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ये है स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, ये भी मैटिफाइंग कंसीलर है, तो समर, ऑयली और मॉनसून के जो मौसम होता है उसके लिए अप्रोप्रिएट है। ब्यूटी ब्लेंडर भी आपको कफ्स एंड लैशेज में मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है, जो कि है 20 समथिंग कॉस्मेटिक्स का। फाउंडेशन जो मैं यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ फ्रॉम यूरोप गर्ल, ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन, मुझे बहुत पसंद आया ये फाउंडेशन। फर्स्ट टाइम जब मैंने यूज़ किया था तो आई वाज शॉक, यार इतना अच्छा है, और ये बहुत ज़्यादा ड्यूई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मैटिफाइंग भी नहीं है, इन बिटवीन वाला है। तो अगर आप अपने स्किन टाइप का मॉइस्चराइजर लगाओगे ना, तो आप किसी भी स्किन टाइप के हो, ये ये जो फाउंडेशन है वो ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं फेस पैलेट की, और ये फेस पैलेट अगेन कफ्स एंड लैशेस का है, जिसका नाम है यू मेक मी ब्लश कॉन्टोर हाईलाइट फेस प्लस आई शेडो पैलेट। और ये भी निधि मैम ने लॉन्च करा हुआ है। दो पैलेट्स करे थे, एक तो पर्टिकुलर आई शेडो पैलेट करा था, दूसरा आई शेडो प्लस फेस पैलेट यूज़ किया, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। उसमें एक तरफ जो है आपको थोड़े बहुत आई शेडोज के पिगमेंट्स मिल जाएंगे, और जो दूसरी तरफ उसमें आपको फेस पैलेट मिल जाएगा। और मैंने आज उसके आई शेडो तो नहीं ट्राई करे, लेकिन फेस पैलेट आपको दिखा रही हूँ, जिसमें मैंने ब्रॉन्जर यूज़ किया है, ब्लश यूज़ किया है, हाईलाइटर यूज़ किया है, एंड आई लव दिस, लाइक बहुत ही अच्छे हैं। सभी स्किन टोन के पीपल जो हैं, ये फेस पैलेट जो है ना, ब्रॉन्जर हो गया, ब्लश हो गया, हाईलाइटर, वो यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली ये फेस पैलेट आपको ट्राई करना चाहिए, आप किसी भी स्किन टोन के हो, ये भी आपको 1000 के अंदर का मिल जाएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट, मैंने फॉल्सीज लगाई हैं, आईलाइनर यूज़ किया है, और लिपस्टिक यूज़ करा है, उसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। और ये भी kafsandlashes.com से ही मैंने जो है लिए हैं प्रोडक्ट्स। और ये जो मिस्ट यूज़ करी, दैट इज़ फ्रॉम शुगर, बहुत ही अच्छा है। एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। कैसा लगा कमेंट्स में बताना, मैं वेट करूँगी, पक्का बताना कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना अगर ये वीडियो पसंद आए। एंड या आई डोंट नो व्हाट टू से नाउ, मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया है। अगर कोई भी डिटेल आपको जानना है तो आप पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हो। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये आई शेडो वाला लुक, काफ़ी डिसेंट लग रहा है। एंड या दैट्स इट, चलो बस आज के लिए इतना ही, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय।